रब्बी शायर गुरु नानक देव जी महाराज ने इस संबंध विच बड़ा सुंदर अमर गीत उचारण किया है। तू सुन हरना कालिया कित वाड़िए राता राम, बिख फल मीठा चार दिन फिर होए ताता राम। एक काला हिरन जो किसान दी मेहनत नु चौपट करन लगा है, चारों पासे वाड़ लाईए किसान ने, परे वाड़ दे उपरों छाल मार के खेती दे अंदर दाखल हो गया। बड़ी मेहनत नाल जो किसान ने बीज के रखे है, ए उसनु खान लग पे, जाया करन लग पे। गुरु नानक देव जी महाराज वेखदे ने, हिरन नु समझांदे ने, भी ए हिरन ऐसा ना कर, किसी दी मेहनत बर्बाद ना कर, किसी दी मुशक्कत ते पानी ना फेर। तेरे वास्ते परमात्मा ने जंगल विच बहुत कुछ घास फूस पैदा कर रखे, झीलां तलावां विच जल मौजूद है, तू ओ पानी पी और उस घास नूं खा। पर मनुख नूं करीबन करीबन उसी चीज नूं हथियाण विच रस मिलदा है जिहदे चारों पासे वाड़ होंदी है। लगदा है हिरन दी रुचि भी कुछ इसे ढंग दी है, वरना खुली घास मौजूद है वो नहीं खाता। कहिंदे जिहड़ी चीज बंदे नूं मिल जाए उहदे च कशिश नहीं रहिंदी, जो नहीं मिली कशिश उसे रहिंदी, जो नहीं मिली कुदरती गल है उसके चारों पासे कोई वाड़ होवेगी, वरना ते प्राप्त हो जानी सी। साहसी मनुख कई दफा इस वाड़ नूं तोड़ दिंदे ने और पराई खेती तक पहुंच जाते हैं, पराई धन की खेती, पराई असमत की खेती रज के खाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे पुरुष नूं काले हिरन नाल तशबीह देते हैं। तू सुन हरना कालिया कित वाड़िए राता राम, बिख फल मीठा चार दिन फिर होए ताता राम, फिर होए ताता खरा माता नाम बिन परताप है, ओ जेव सायर देह लेरी बिजल जीवे चमक है, हर बाज राखा कोए ना है सोए तुझे बिसारे आ, सच कहे नानक चेतरे मन मरे हरना काले। ऐ काले हिरन ठीक है तुम पराई खेती रज के और रस नाल खा रहे, लेकिन एक दिन किसान दे शिकंजे च आवेगा जिसकी खेती उजड़ी है, आखिर उसके रोस का अताब तो बनेगा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की देखते हैं, जिथों हिरन छाल मार के रोस पराई खेती खांदा सी, अज किसान ने उस थां ते जाल तने आया, हिरन ने जो छाल मारी जाल विच फस गया। कई दिनों की मेहनत बर्बाद होंदी वेख के किसान ने सोटियां नाल रज के मारना शुरू किया, हिरन दियां लत्तां तोड़ दित्ती, ओ चीखदा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने कि पराई खेती खाण की सजा यही होती है, पराया धन पराया रूप जो कानून की वाड़ तोड़ के धर्म की वाड़ तोड़ के पहुंच के पराई असमत लुटते ने, पराया धन लुटते ने, गुरु नानक देव जी महाराज का कथन उन्होंने वास्ते सजा फिर यही है। दूसरी बिरती साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भौरे की रखी। मनुख का मन काले हिरन की तरह, मनुख का मन भौरे की तरह। गुरु नानक देव जी महाराज की वेखते ना अमृत वेला है, वो फुटन लगी है, भौरे फुलां ते मंडलाण लग पे ने, कमल फुलां ते। पर किसी एक थां ते ये भौरा बैठता नहीं, किधरे एक फुल ते दूसरे ते तीसरे ते, इस तरह इसकी भटकना जारी है। ऐसा नहीं कि फुलां ते भौरे ही भटकते ने, गुरु नानक देव जी महाराज का कथन है कि भौरिया नालों भी ज्यादा मनुख की सुरत भटकती है, मनुख भटकता है। आप का बड़ा सुंदर फरमान, भौरा फूल भवंतया दुख अत भारी राम, मैं गुरु पूछया आपना साचा बिचारी राम।
विचार सतगुरु मुझे कहा भवर बेली राते सूरज चढ़िया पिंड पड़िया तेल तान ताते आखिर थां थां ते फुलां ते बैठदा बैठदा शाम दे वक्त भौरा जो कमल फुल विच बैठे सूरज दे गरूब होण दे नाल कमल दा फुल बंद होया भौरा विच ही तकते रह गए। सवेरे उसकी लाश निकली तो जगत गुरु बाबे का यह बड़ा सुंदर फरमान कि जो पराए रूप से मोहित होंगे और भौरे की तरह भटकते हैं उन्हां दा अंजाम यही है कि तपे हुए तेल दे कड़ाहे असी तां उन्हां नूं झेलनिया पैनिया। भौरा किसी एक फुल तो त्रिपत नहीं होता भौरे के समान जिसकी बिरती है किसी एक रूप से त्रिपत नहीं होता जो रूप उस दिल को आ गया कशिश खत्म फिर उस रूप की कशिश पैदा होती है जो इस दे को नहीं है फिर उस फुल से बैठता है। इस तरह जिमें फुलों से भौरा भटकता रहता है मनुख की सुरत भी भटकती है मनुख भी भटकती है। दूसरी बहुत प्रबल बिरती मनुख के अंदर है इस वास्ते भौरा ही सिर्फ भौरा नहीं मनुख भी भौरा है। भगत कबीर का एक बड़ा सुंदर शब्द है आप कहने रैन गई मत दिन भी जाए भवर गए बग बैठे दिन ते रात नू बड़ी सुंदर तस्वीर दिती है बगले ना ते भौरे ना रैन गई मत दिन भी जावे भौर गए बग बैठे जवानी विच औगण की सी जवानी विच औगण यही सी इहदी बिरती भौरे दे समान सी बुढ़ेपे विच बगले दे समान केस चिट्टे हुण बगले दे समान बिरती है बैठा है खामोश कोने विच लोकी समझदे ने शराफत दी मूर्ति है बुजुर्ग है महान है बड़ा है कबीर कदे नहीं बदले वासना उसे तरीके अनर्थ भरिया हिरदा उसे तरीके पर अनर्थ की पूर्ति वास्ते शरीर के समर्था नहीं रही ताकत नहीं रही इस वास्ते बगला है समाधि विच लगदा पे लेकिन समस्या सारी दियां सारियां अंदर मौजूद ने यह बगल समान जवानी दे उसकी बिरती भौरे दे समान केस भौरे सन केस चिट्टे सन केस काले सन इहदी बिरती दे भी कमी सी थां थां दे फुल्लां दे भटकना इसकी आदत सी केस चिट्टे हो गए बुढ़ा हो गए हुण भटकदा ते नहीं किसी एक थां ते खड़ा है किसी एक थां ते बैठा है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भटकना मिट गई नहीं भटकना उसे तरीके नाल अंदरों जारी है समर्था नहीं भौरे गए बग बैठे आए जवानी भौरियां दे समान बतीत हुई बुढ़ेपा बगलियां दे समान बतीत हुई भौरे गए बग बैठे आए जवानी दे भौर बिरती प्रधान नहीं बुढ़ेपे दे बगल बिरती प्रधान नहीं और अक्सर मनुख बुढ़िया तो बहुत वड्डा धक्का खा जाता समुची दुनिया के करीबन करीबन धार्मिक राजनीतिक आगू बिरध मनुख होंगे समाज कौम देश अक्सर इन्हों तो धोखा खा जाता उस्ताद जौक का कहना है रेशे सफेद शेख में जुल्म दे फरेब इस मकर चांदनी को मैं करना माने सुना इसकी चिट्टी दाड़ी वेख के इधर न समझना चांदनी रात है ये चिट्टा है नहीं इस मकर चांदनी पे ना कर मान मानने से इस चिट्टी बाड़े विच भी बहुत वड्डी कामत छिप तो मुख्तसर ए गुरु नानक देव जी महाराज का कथन एक तो बिरती प्राय धन की चुराने की मनुख के अंदर प्रधान है कोई विरम दे
रूप देते मनलाउन की जो बिरती है बहुरी सब इस वास्ते बहुरी ने सामने रख के हिरन ने सामने रख के नानक देव जी महाराज समुची मनुखता में संदेश उपदेश देंगे। इस बिरती ने मनुखता का बहुत अधिक संसार बहुत जो आपा धाती ने बेनसाफियां दिखा सिर्फ इन्होंने दो बिरतियां कर। तीसरी बिरती जिसका जिक्र साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज करते हैं मच्छी मछली की छुन्नी नैन रोनी जाल बद्धक प्यारा संसार माया मोह मीठा अनंत धर्म चुका कुंडी के नाल मांस ला के मछेरे ने पानी में सुटा मछली मांस दिखाई देना कुंडी नहीं दिखा पाप का हस दिखाई दे रहे पाप का दुख ना दिखाई दे मच्छी के सब बिरती जैसे मच्छी ने सिर्फ मांस दिखाई देता है कुंडी नहीं अक्सर ऐसा ही होता है कि मनुख में पाप के रस का तो पता है लेकिन पाप के दुख का नहीं रस के विच ही दुखा है जैसे मांस के विच ही कुंडी रस की मारी हुई मच्छी जो मांस में मोच पाती है कि देखती है कुंडी च फसल मांस ही कुंडी रस ही दुख सतगुरु का प्रणाम मछली भी छोड़ने मैन बनी वैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने मछली में बहुत सुंदर तुक्त सुनी सुनी क्योंकि पशु जगत जल जंतुओं मछली बहुत बहुत पर बहुत सोनी होंगी होगी मांस दिखाई देता कुंडी नहीं दिखाई देता कहने अक्सर बहुत ही सोनी मनुख बहुत अनर्थ करते बोले बेवकूफ मनुख बुद्धिहीन मनुख संसार बहुत वाडा अनर्थ नहीं बहुत वाडा अहित नहीं करता संसार वड्डिया वड्डिया बर्बादियां आई होंगी ये बहुत सोने मनुख बुद्धिमान मनुख लेकिन बुद्धिमान सियाने मनुखों की एक बहुत वड्डी खामी मांस दिखाई देता कुंडी नहीं दिखा पाप का रस दिखाई देता पाप का दुख नहीं दिखाई देता इस वास्ते सतगुरु देव जी महाराज समझाते हैं मछली भी छूनी नैन रोनी जाल बद्धक पाया संसार माया संसार का मायक ही रस जो मनुख में पाप के प्रवृत्त कर देता है क्योंकि पाप के बकायदा एक रस है सब कुछ नहीं इस जगत में कुंडी है मछली तू सचेत भूमि तू सचेत तुम सी सब चौपदा है एक ख्याल गुरु नानक देव जी महाराज ने चार प्यारों के चलाया तो चौथा ख्याल बड़ा कीमती आपका प्रणाम नदियों में बहुत पीछे मेला संजोली नाम जुग जुग मीठ कोई जाएंगे जाएंगे बड़ी कीमती है नदी के जल की धारा वेग कुछ तिखा है कुछ ज्यादा है तब तक लहर उनके अनंत लहरें नदी कुछ कुछ छोटी होंगी कुछ बड़ी होंगी कुछ बहुत होंगी कुछ नजरों के ओझल में नहीं दिखा कुछ नजरों के सामने कुछ इतनिया उच्चिया लहर होंगी दूरों भी दिखा किसी किसी मनुख के चरित्र बड़ी दूर नहीं कोई ने सामने भी बैठा हुआ तो नजर नहीं दिखा उसके दृष्टिकोण बहुत छोटे बहुत छोटे घर इनवर्टर है सारा कम पै कर मनुख ने दिखाई नहीं कि बाकी गल नहीं सकते लेकिन एक मनुख नजरों के सामने भी नहीं तभी उसकी चर्चा
ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਬਹੁ ਮਨੁੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਛੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਦੂਰੋਂ ਦਿਸ਼ਦੀ, ਕੋਈ ਨੇੜਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਏਕ ਆਸੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਨ ਤੜਕਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਲਹਿਰ, ਬੜੀ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਹਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਲਹਿਰ ਆਖਰ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ। ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਛਲ ਕੇ ਵੱਖ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਗਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਚ ਮਰੂ ਥਲ ਨੇ, ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਨੇ, ਇਹ ਵਾੜੇ ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਝਰਨੇ ਦਾ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਝਰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਹਤਾ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕੁਛ ਵਾੜੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਵਾੜੇ ਐਸੇ ਹਠੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੂ ਬਹੂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਹਬ ਚੱਲਦਾ, ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ, ਖੁਦ ਪੂਜ ਬਣਨਾ, ਖੁਦ ਰੱਬ ਬਣਨਾ, ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਨਾ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਰਨੇ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਚ ਸੁੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਖੰਡ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਹਨ, ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਦਸ ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਤੇ ਨਾਨਕ ਔਰਤ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਵਾੜੇ ਰਸਤੇ ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਨਦੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਸੰਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੋੜਾ ਖਾ ਜਾਏ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾੜੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕੁਛ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ